नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं रत्नसेन भारती। आज हम बात करेंगे मौसम को लेकर। बिहार में एक बार फिर से मौसम का मिजाज जो है बदलता हुआ दिख रहा है। मौसम विभाग की माने तो बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में आए मौसमी बदलाव की वजह से बिहार में अगले 72 घंटे तक भारी बारिश होने के आसार जताए गए हैं। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने इसको लेकर हाई अलर्ट जारी किया है। बिहार के उत्तर पश्चिमी, उत्तर मध्य और दक्षिण मध्य बिहार में रेड अलर्ट जारी किया गया है। वहीं शेष बिहार में जो है ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। बारिश को लेकर जारी अलर्ट के तहत यह भी कहा गया है कि बिहार में 35 से लेकर 45 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है। प्रदेश के निचले इलाके में भारी बारिश के बाद जल जमाव की भी स्थिति हो सकती है। इसको लेकर भी जो है अलर्ट जारी किया गया। साथ ही साथ विभाग की तरफ से यह भी कहा गया है कि ठनका यानी कि वज्रपात की भी चेतावनी जारी की गई है। बता दें कि बिहार में गुरुवार को कई जिलों में छिटपुट बारिश होती रही, ऐसे में तापमान में गिरावट हुई है और बताया जा रहा है कि 4 से 5 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान में जो है गिरावट दर्ज की गई है। विभाग की माने तो उत्तर पूर्वी अरब सागर पर दबाव बना हुआ है, फिलहाल यह भारतीय तट से नहीं टकराएगा। हालांकि कम दबाव के कारण उत्तर पूर्व अरब सागर के ऊपर चक्रवाती तूफान के बादल बन सकते हैं। वहीं बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का केंद्र भी बना हुआ है। आपको बता दें कि बिहार में अचानक से हुए मौसम बदलाव का मुख्य कारण बंगाल की खाड़ी एवं अरब सागर में हुए मौसमी हलचल को लेकर माना जा रहा है। ऐसे में बिहार में 3 अक्टूबर तक बारिश होने की संभावना जताई गई है। हालांकि इससे पहले बंगाल की खाड़ी में आए गुलाब तूफान को लेकर आपदा प्रबंधन विभाग ने अधिकारियों से नुकसान की रिपोर्ट मांगी है। इधर गुरुवार को राजधानी पटना में रुक रुक कर बारिश होती रही। तेज हवा चलने से मौसम में भी काफ़ी परिवर्तन हुआ है। मौसम में नमी आने से लोगों को ठंड का भी एहसास होने लगा है। मौसम विभाग की माने तो उत्तर पश्चिम बिहार में पश्चिमी चंपारण, सिवान, सारण, गोपालगंज, सीतामढ़ी, शिवहर, मधुबनी, मधेपुरा, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, वैशाली, समस्तीपुर, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार में बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा जिन जिलों में बारिश की संभावना अधिक है उनमें औरंगाबाद, बक्सर, भोजपुर, भागलपुर, लखीसराय, जहानाबाद, रोहतास, भभुआ, अरवल, पटना, गया, नालंदा, शेखपुरा, नवादा, बेगूसराय, बांका, जमुई, मुंगेर और खगड़िया शामिल है। तो ये थे मौसम को लेकर जानकारी, जिसमें 1 अक्टूबर से लेकर 3 अक्टूबर तक की बारिश की बात कही गई है। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसे ही खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।